आखिर ऐसी क्या हुई खता कि श्रद्धा दे रही है खुद को इतनी बड़ी सजा। जी हाँ, आपके मन में भी यही आ रहा होगा तो आपको बता दे कि श्रद्धा खुद को सजा तो नहीं दे रही, पर हाँ ये कह सकते हैं कि अभय के लिए वो कड़ी तपस्या जरूर कर रही है। वह जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अभय की याददाश्त नहीं आई है, इसीलिए श्रद्धा बहुत ज़्यादा परेशान है और अब वो माता रानी के चरणों में जा रही हैं, वो भी नंगे पांव। लेकिन कुणाल और रोशनी के होते हुए उनकी मंजिल इतनी आसान तो नहीं हो सकती, इसीलिए उन्हें कई कड़ी चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है। जहां हम देख रहे हैं कि कुणाल उनके कदमों में, या फिर यूं कहें कि उनके रास्ते को रोकने के लिए कांच बिछा देते हैं। आते जाइए पंकज रिलाई, निकलिए। लेकिन उन सभी कठिनाइयों को पार करते हुए आखिरकार श्रद्धा वहां पहुंच ही गई है, लेकिन कुणाल और रोशनी से ये बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए कुणाल अब अगली चाल चलने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि श्रद्धा अपने मकसद में कामयाब होती है या फिर कुणाल। एंड फॉर मोर सच टेली टाउन अपडेट स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।